और खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मसला हो तो हमें डंके की चोट पर खड़े होना, मगर मोहम्मद की बात आ गई तो मैं 80 अरब को अपने पैर की नोक पे रख। बीजेपी आला कमान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी आला कमान ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जो शख्स किसी धर्म की इज्जत नहीं कर सकता, उसका पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी हां, आप इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। पैगंबर मोहम्मद पर एक टीवी डिबेट के दौरान विवादित बयान देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया है। जी हां, पूरे 6 साल के लिए निलंबित किया है नुपुर शर्मा को, और साथ में उनके खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। ये बड़ा फैसला बीजेपी आला कमान की तरफ से हुआ है। वहीं दिल्ली बीजेपी ने ये फैसला लेते हुए दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल पर भी एक्शन हुआ है। पार्टी ने उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि नवीन कुमार जिंदल ने इस मामले को लेकर कुछ विवादित ट्वीट किए थे। ऐसे में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लेटर जारी करते हुए बताया कि नवीन कुमार जिंदल ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक संभावना भड़काने वाले विचार प्रकट किए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार के विरोध में है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी प्रेस लेटर में पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कोई भी विचार स्वीकार नहीं करती है जिससे किसी भी धर्म समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचे। न भाजपा ऐसे किसी विचारों को मानती है, न ही उन्हें प्रोत्साहन देती है। पार्टी की ओर से की गई निलंबन कार्रवाई के बाद नुपुर शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने मीडिया के साथ ही लोगों से अपील की है कि उनके घर का पता सार्वजनिक ना किया जाए। उन्होंने कहा है कि इससे मेरे परिवार की सुरक्षा को खतरा है। जब से नुपुर शर्मा का ये वीडियो वायरल हुआ था, जब से बहुत आक्रोश था मुस्लिम समाज में। हमने वीडियो की शुरुआत में भी आपको दिखाया कि किस तरीके से मुस्लिम समाज में आक्रोश है, और इसके एक नमूना कानपुर में भी देखने को मिला। तो ये बड़ा फैसला लिया है बीजेपी ने, ये बड़ा फैसला लिया है बीजेपी हाईकमान ने, और ये दर्शाता है कि बीजेपी हाईकमान, बीजेपी पार्टी जो अपना वादा करती है सबका साथ सबका विकास और सबका ख्याल रखने के जो वादे हैं वो खोखले नहीं हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत जान है।